सॉरी गाइस, मैं थोड़ा लेट हो गया, बट आई गेस मैं सही टाइम पे आया हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि न्यूकटाउन रशिया आने वाला है. एंड यस, न्यूकटाउन रशिया आ चुका है. एंड चलिए आज देखेंगे न्यूकटाउन रशिया में कहाँ पे आप यू नो हाइडिंग स्पॉट ढूंढ सकते हो एंड कहाँ से आप किल्स निकाल सकते हो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के मल्टीप्लेयर मैचेस में, स्पेशली क्योंकि ये मल्टीप्लेयर मोड में इनपुट किया गया है एंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स के लिए. क्योंकि अगर ये कॉम्पिटिटिव मोड में आया, चाहे वो डोमिनेशन हार्ड पॉइंट या फिर सर्च एंड डिस्ट्रॉय हो, वो एंगल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सो लेट्स सी कि कहाँ से आपको चीकी एंगल्स मिल सकते हैं इन न्यूकटाउन रशिया. एंड यस गाइस, आज आपको मेरा गेम प्ले देखने को मिलेगा. सो मैं पहले हाथ ऊपर कर देता हूँ कि मैं नूब हूँ. सो कोई जज नहीं करेगा कि मैं कैसा गेम प्ले आपके सामने दिखाने वाला हूँ, बट मेरा काम है कि आपको एंगल्स बताना जो कि यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है. स्पेशली डोमिनेशन मोड होगा. सो डोमिनेशन मोड में आपको यूजुअली पता है कि तीन अल्फा ब्रावो चार्ली ये साइट्स होते हैं एंड यहाँ पे किल्स के पॉइंट्स आपको नहीं मिलते हैं. सो जितना ज्यादा देर तक आप यू नो अल्फा ब्रावो चार्ली साइट को होल्ड करोगे उतने आपके लिए एडवांटेजेस बन जाते हैं. ये एक ड्रोन व्यू है आपको दिख रहा है एंड ये पूरा कोर्टयार्ड एरिया है. एंड यस, ये स्टीम इंजन एंड ये एक रेलवे बोगी हम कह सकते हैं. इसके अराउंड आप प्लेस बना सकते हो एंड अगर डोमिनेशन हुआ तो ये जो एक रशिया का गेट बनाया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा फैंसी लग रहा है देखने में एंड थोड़ा सा यू नो उस स्नोई फील तो आ ही रहा है क्योंकि ऑलरेडी न्यूकटाउन रशिया में काफ़ी ज़्यादा ठंड भी होता है. बट सामने यहाँ पे आपको स्पॉट्स मिलते रहेंगे, आप इजीली किल्स एंड पिक्स निकाल सकते हैं. इन इंजन्स एंड इन बॉक्सेस एंड इन कार्स का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आप काफी तो ओपन में ऑफ गार्ड पकड़े जा सकते हैं एंड जो कि आउटकम होता है ऑब्वियसली आपको टेक डाउन किया जाएगा. बट डोमिनेशन में किल्स के पॉइंट्स नहीं मिलते हैं. सो मैं सिर्फ डोमिनेशन के पर्सपेक्टिव से नहीं कहूंगा क्योंकि अगर सर्च एंड डिस्ट्रॉय खेल रहे हो तो सर्च एंड डिस्ट्रॉय में ऑब्वियसली आप अगर टेक डाउन होते हो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेंगे एंड स्पेशली कॉल ऑफ ड्यूटी मल्टीप्लेयर्स में यू नो हर एक मोड का ऑब्जेक्टिव होता है. सो ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे आपको यू नो चार्ज करना पड़ता है. एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यू नो स्पेशली डोमिनेशन या फिर हार्ड पॉइंट में कॉम्पिटिटिव में स्पेशली यू नो वो एरियल अटैक्स, क्लस्टर अटैक्स, प्रेडेटर मिसाइल्स काफी ज्यादा दिखने को मिलते हैं. तो यहाँ पे काफी ओपन एरियाज है यूजुअली यू नो मेल्टाउन जैसे मैप्स में जहाँ पे आपको काफी ज्यादा बिग चिमनी के अराउंड गेम प्लेस देखने को मिलते हैं या फिर ज्यादा कंपाउंड्स वाले मैचेस या फिर मैप्स में स्पेशली यू नो जहाँ पे कंपाउंड ज्यादा रहते हैं वहाँ पे यू नो एरियल अटैक्स उतना काम या फिर कारगर साबित नहीं होता है. बट अगर आप इस मैप की बात करें न्यूकटाउन रशिया में, यहाँ पे आपको काफी आसानी से एरियल अटैक्स देखने को मिल जाएंगे एंड स्पेशली यू नो हमारे साथ भी एक चॉपर अटैक यहाँ पे हुआ था कुछ ही देर में, आपको जरूर से दिख जाएगा एंड ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है. सो इससे आपको बच के जरूर रहना पड़ेगा. जब भी एरियल अटैक होता है आप सैम टरेट का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि यू नो कोई भी एरियल अटैक हो उससे पहले ही वो डिस्ट्रॉय हो सकता है बाय द यूज ऑफ सैम टरेट. बट वो भी एक स्कोर स्ट्रीक है, वो आपको मिलता है आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम या फिर सर्टन किल निकालने के बाद ही. एंड यहाँ पे जैसे मेरे साथ हुआ, मैं ढूंढता ही रह गया कि कहाँ पे चॉपर था, बट चॉपर सीधा ऊपर था एंड यस इस पॉइंट से आप बच नहीं सकते हैं, आपको फॉर श्योर यहाँ पे टेक डाउन किया जाएगा जो कि यूजुअली यस सिमिलर सिनेरियो यही सिचुएशन हो जाता है आपके लिए कि आपके पास या तो चॉपर जैसे वेपन होगा तो आप काफी इजीली यहाँ पे टेक डाउन कर सकते हो. बट इतना आसान नहीं होता चॉपर को टेक डाउन करना, काफी सारा एम्यूनेशन वेस्ट हो जाता है आपके लिए. टाइम नो स्पेशली कॉम्पिटिटिव मैचेस में डोमिनेशन में टाइम बहुत मैटर करता है क्योंकि अगर आपने ए बी सी साइट नहीं कैप्चर किया तो आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे किल्स के पॉइंट्स आपको नहीं मिलते हैं. एंड अगर आप फायर करते रह गए चॉपर पे तो ओपोनेंट जो है आपका ऑब्वियसली स्पॉट होल्ड कर लेगा ए बी सी का एंड उनको पॉइंट्स मिल जाएंगे एंड आप मैच हार जाएंगे जो कि आप बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहे हैं. एंड ये था न्यूकटाउन का काफ़ी शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो. बट वीडियो खत्म करने से पहले मैं थोड़ा सा प्रोग्रेस आपको दिखाना चाहूँगा. यस जज मत करना क्योंकि ये रैंक गेम नहीं है, पहले ही बता दूँ. सो ये अनरैंक गेम था जहाँ पे मैंने न्यूकटाउन रशिया खेलना चालू किया एंड एक के बाद एक के लिए यहाँ पे सिक्योर किया. एंड ऑब्वियसली बात है जब मैं किल करता हूँ तो ऑब्वियसली मेरी टीम जीत ही जाएगी. पिस्टल के साथ यहाँ पे एक वन शॉट वन किल निकाला, काफी सिंपल लगा मेरे को यहाँ पे किल निकाला एंड किल निकालते गया. एंड यस मेरे को भी आप खेल के बताइए कि आपको कैसा लगा न्यूकटाउन रशिया क्योंकि काफी ज्यादा नया मैप है एंड अगर ये कॉम्पिटिटिव में इंक्लूड किया जाता है क्या आपको लगता है ये बेनिफिट करेगा आपको या फिर नहीं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी एंगल्स एंड कैसे आप गेम प्ले बना सकते हो ये बता दिया है. सो अगर आपको अच्छा लगा प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो. टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में.